नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में आप सभी स्टूडेंटों का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पेशली जिक्र करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट इतना ही, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियोज पाने के लिए। फिलहाल दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसने की थी। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, फोर अल्टरनेटिव दिए गए। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव आपका दिया है गया है, इकबाल आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि इकबाल द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले कल्पना जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर टू इसमें दिया गया है दोस्तों कि मोपला विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर राज्य आपके बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब आपके फोर अल्टरनेटिव दिए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि केरल से रिलेटेड ये जो विवाद था, केरल से संबंधित था, तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पंजाब, यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों वो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि कूका आंदोलन जो संबंधित था दोस्तों वो पंजाब राज्य से ही संबंधित था। बात करेंगे फोर नंबर प्रश्न की तो के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका जो दिया है, स्वदेशी आंदोलन आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइव नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि रॉलेट एक्ट जो है को किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो अल्टरनेटिव 1921 दिया, 1923, 1917, 1999, मतलब 1919 पर प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर करेंगे सिक्स नंबर प्रश्न की। तो सिक्स नंबर का प्रश्न है कि सहायक संधि या जो है गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला जो है पहला भारतीय मूल शासक कौन था। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो सिक्स नंबर प्रश्न की बात बताना, तो दोस्तों यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हैदराबाद का निज़ाम जो वर्ड दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। सेवन नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में कौन सा घटना सही काला जो है क्रम, मतलब कि सही क्रम को दर्शाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने आंसर को भी लिख रखा है, तो बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दिया है कि कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन और लखनऊ संधि इस तरह से दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे, तो यहाँ पर 1905 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और कांग्रेस का सूरत से विभाजन की बात करेंगे तो 1907 आपका राइट आंसर होगा। लखनऊ संधि की बात करेंगे तो 1916 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अब एट नंबर प्रश्न की ओर। एट नंबर का प्रश्न कुछ इसमें इस तरह से दिया गया कि किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए। इस तरह से आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ शिव स्वामी अय्यर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिलहाल नाइन नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मतलब कि डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधा कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था, मतलब अनाउंसमेंट किया था। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपके फोर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 16 अगस्त 1946 जो है के दिन ये प्रक्रिया किया गया था, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें दिया गया है कि के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो मुस्लिमों के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई थी, बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत के व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे। इस तरह से आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि फ्रेंच, डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिलहाल 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाए जिसमें जलियांवाला बाग ने अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ। तो इस तरह से अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो फोर दिया गया है। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव रॉलेट एक्ट आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों। 13
नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो पहले किले की बात करेंगे तो फोर्ट, यहाँ पर सी अल्टरनेटिव फोर्ट सेंट डेविड आपका सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। मोस्ट हाई एमपी क्वेश्चन, बी अल्टरनेटिव 26 जनवरी 1950 आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख जो है किसके साथ जुड़ी हुई है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर डांडी मार्च महात्मा गांधी से रिलेटेड है। बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे इस वीडियो मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।